एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ साथ शेयर भी करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग इक्विटी शेयर्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, डिबेंचर्स के बारे में जान चुके हैं, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में जान चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जान चुके हैं, और तो और पिछली वाली वीडियो में हम लोग कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जान चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल लेवल का है और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो क्या कहता है टॉपिक, एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल्स लेंगे और जानेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है। आपके सामने यहाँ पे 200 डिटेल डाली है, पहले पढ़ते हैं ज़रा, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, पिक्टोग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या है। और मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखाऊंगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग किस तरीके से डील करती है। तो दोस्तों हमारे सामने डिटेल है, विद द ओपनिंग अप ऑफ एन इकोनॉमी एंड द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1991 की बात करें दोस्तों, एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज आने के बाद हमारे पास फॉरन से पैसे लेने के सोर्सेज बहुत अच्छे खासे बढ़ गए। हम तो फॉरन से भी अगर हम लोग पैसा लेना चाहें, क्रेडिट पर उधार लेना चाहें, तो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी तकलीफ के, ऐसे यहाँ पे मेंशन करा गया। ये सब हुआ पॉसिबल 1991 के बाद, जो कि एलपीजी पॉलिसीज आने का साल है। आप लोग ध्यान रखे चलेंगे, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बहुत हिस्टोरिकल आउटकम रहा है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बताते भी इकोनॉमिक्स में बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में भी इसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे लिखा गया है, इंडियन कंपनीज हैव एन एक्सेस टू फंड्स इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट। इसका मतलब आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, हमारी कंपनीज के पास ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है। मैं विदेश में किसी भी मार्केट में जाके, किसी भी कैपिटल मार्केट में जाके, किसी भी शेयर मार्केट में जाके अगर पैसा लेना चाहूँ शेयर इशू करके, तो मैं ले सकता हूँ, बहुत आसानी से ले सकता हूँ। इवन कैपिटल मार्केट छोड़िए, अगर आप किसी फॉरेन के बैंक से पैसा उधार लेना चाहें तब भी आप ले सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, सबके सब आपकी हेल्प करने को तैयार हैं 24/7, कोई मना नहीं करेगा। वेरियस इंटरनेशनल सोर्सेज फ्रॉम वेयर फंड्स में भी जनरेटेड इंक्लूड कमर्शियल बैंक्स, आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, आप इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनसे भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, वो भी आपकी हेल्प करने को तैयार है हमेशा, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट काफ़ी पॉपुलर मेथड है फंड्स रेज करने का, तो मैं सबसे पहले आपको इसी पे फोकस करा के सबसे पहले इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज़ होते हैं, जिनमें तीन इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों हमारे पास, GDR, ADR और IDR, ये तीन इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट दोस्तों हमारे पास आता है, जिसका नाम है, आपके सामने आ गया है, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अच्छे से बना के दिखाऊंगा कि GDR किस तरीके से एक्ट करता है और ADR किस तरीके से एक्ट करता है या फिर IDR किस तरीके से एक्ट करता है। एक पूरा पिक्टोग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा हमें कि एक्चुअल में ये है क्या और किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है, ज़रा थोड़ा सा जान लेते हैं। GDR के बारे में लिखा गया है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक, द डिपॉजिटरी बैंक इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट दीज शेयर्स, सच डिपॉजिटरी रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन US डॉलर आर नोन एज GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। चलिए इसका मतलब क्या है, तो पहले आप फंक्शनिंग जानते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसकी डिटेल के ऊपर आते हैं। पहले जानते हैं GDR किस तरीके से एक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि GDR क्या होता है और इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, इस बात को समझते हैं GDR क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारे इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स, सभी लोग जानते हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, पहचान की मोहताज नहीं है कि मैं आपकी पहचान कराऊँ, टाटा मोटर्स है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि टाटा मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में डील करती है, ग्लोबल लेवल पे इनकी डील है, इनका एक सब ब्रांड है रेंज रोवर के नाम से, इनका एक सब ब्रांड है जैगुआर के नाम से, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं,
और बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करती है टाटा मोटर्स, ठीक है। इस बार टाटा मोटर्स ने फैसला करा कि उसको फंडिंग चाहिए, उसको पैसा चाहिए, क्योंकि ब्रांड ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको लोग जानते हैं। तो इन्होंने इस बार फैसला करा कि वो लोग फंड्स को बाहर से रेज करेंगे, इंडिया से रेज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इंडिया से रेज करना होता तो वो लोग NSE पे जाते या BSE पे जाते, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाना था उन्होंने, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाना था उन्होंने। उन्होंने फैसला करा कि वो इंडिया से पैसा नहीं लेंगे। उनका फैसला है कि वो कहीं से भी लेंगे लेकिन इंडिया से नहीं लेना चाह रहे हैं। तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, और जैपनीज स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, चाइना की स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बड़ा ब्रांड है, हर जगह जा सकता है। उनका फैसला हुआ कि वो जैपनीज या जापान में जाएंगे और जापान की स्टॉक एक्सचेंज से पैसा रेज करेंगे। इनका फैसला है, मेरा नहीं है, इन्होंने फैसला करा है, मान लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इन लोगों को, दैट इज टाटा मोटर्स वालों को, जापान जाना है, ठीक है, और जापान में एक डिपोजिटरी से मिलना है। अब ये डिपोजिटरी क्या है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, डिपोजिटरी बैंक कह सकते हैं हम इसको एक तरीके से। क्या होता है, अब देखिए, टाटा मोटर्स नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जापान के लोग इस कंपनी की शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे ट्रस्ट करे कि ये जेन्युइन टाटा मोटर्स ही है? बीच में किसी को ऐसा ब्रोकर बनना पड़ेगा, और वो ब्रोकर बनती है एक बैंक, कोई भी बैंक जो जापान में नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, वो डिपोजिटरी की तरह एक्ट कर सकती है। डिपोजिटरी का मतलब एक मीडिएटर चाहिए, मैं जिसको बैंक को पैसा दूंगा वो बैंक टाटा मोटर्स को पैसा देगा, और टाटा मोटर्स से शेयर लेके वो बैंक मुझे दे देगा। तो एक मीडिएटर की तरह एक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिपोजिटरी चाहिए। क्या चाहिए? डिपोजिटरी। डिपोजिटरी का काम सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर की तरह एक्ट करना, और आपको इस बात की सिक्योरिटी देना कि जो शेयर्स आप ले रहे हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। अभी डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिस अकाउंट में आपके शेयर्स आते हैं, आप जब कोई शेयर खरीदते हैं मार्केट में से, तो जिस अकाउंट में उन शेयर्स को रखा जाता है उसको हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पैसे जब आप बैंक में जमा कराते हैं तो वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, वैसे जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। जब आप बेचते हैं वो शेयर्स वहाँ से डेबिट हो जाते हैं, जब आप खरीदते हैं वो शेयर्स वहाँ पे क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे। तो ये डिपॉजिटरी जो है वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहा है, ताकि आपके जो पैसा आपने खर्च करा है उस पैसे के बदले में आपको शेयर्स मिल पाए टाटा मोटर्स के, इस बात को इंश्योर करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा आप जापान में रहते हैं तो आप जापान की करेंसी देंगे, जबकि टाटा मोटर्स जापान की करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती भाई। उसको जो भी पैसा चाहिए किसमें चाहिए? रुपीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा किसमें इन्वेस्ट होगा? रुपीज़ में, ठीक है। जापान से पैसा आ रहा है तो येन में आएगा, आप जानते हैं जापान की करेंसी होती है येन, ठीक है। अब बीइंग अ जापानीज सिटीजन आप येन में दे रहे हैं, ठीक है, ये डिपॉजिटरी बैंक उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा और टाटा मोटर्स को दे देगा, ठीक है, रुपीज़ में। तो ये एक डिपॉजिटरी बैंक का रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपॉजिटरी क्या करती है? उन शेयर्स को, ये टाटा मोटर्स डिपॉजिटरी के पास गया और डिपॉजिटरी ने, ठीक है, जापानी स्टॉक एक्सचेंज जो भी होगी, जो भी नाम से है, ठीक है, या जापानी शेयर मार्केट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जापानी शेयर मार्केट में सबको बोला कि भाई टाटा मोटर्स के शेयर आ रहे हैं, बताओ किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको चाहिए, 10 का 20 10 का 20 10 का 20, 10 yen में टाटा मोटर्स के 20 शेयर, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, दिल पे ना लेना, येन की वैल्यू हमारे रुपीज से कम होती है वैसे, ठीक है, आप कभी चेक करेंगे पता चल जाएगा आपको। तो हमने तो ऑफर दिया, ठीक है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा टाटा मोटर्स के शेयर के लिए, उन लोगों को शेयर दे दिए जाएंगे, किसके द्वारा? जापानीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा, जो भी होगा, ठीक है, जो भी हमने बनाया है वो डिपॉजिटरी बैंक सब लोगों को, जिन जिन लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर लेने की इच्छा करी है, उनको पैसा लेके शेयर दे देगा, और जापानीज डिपॉजिटरी बैंक हम लोगों को टाटा मोटर्स को पैसा दे देगा। अब इस पैसे का मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि अब टाटा मोटर्स के शेयर जापानीज स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उनकी शेयर मार्केट में टाटा मोटर्स का नाम लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर भी ट्रेड होगा ये शेयर, वहाँ पर भी खरीदा बेचा जाएगा डेली बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है दोस्तों, इसी का नाम है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है,
करना क्या है, टाटा मोटर्स को अपने शेयर डिपोजिटरी बैंक को देने हैं, ठीक है। डिपोजिटरी बैंक ये शेयर्स को जहां पर भी जिस भी कंट्री में है, मतलब जहां की डिपोजिटरी होगी उसके अकॉर्डिंग वहां बेचेगा। अगर ये यूरोपियन डिपोजिटरी होती तो यूरोप में बेचता, अमेरिकन डिपोजिटरी होती तो अमेरिका में बेचता, ऑस्ट्रेलियन होती तो ऑस्ट्रेलिया में बेचता, जिस भी कंट्री की बात करें उस कंट्री में बेचेगा। जैसे यहाँ पे हमने जैपनीज डिपोजिटरी को दिए, जैपनीज डिपोजिटरी में इसको जैपनीज स्टॉक एक्सचेंज या जैपनीज शेयर मार्केट पे इशू करा, लोगों से पैसा लिया उनकी करेंसी में और हमको हमारी करेंसी में पैसा दे दिया, ठीक है। अब टाटा मोटर्स तरक्की करेगी, ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, बहुत आगे तक जाएगी, बहुत दूर तक नाम होगा, ठीक है। अब सिस्टम क्या कहता है, एक छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। जनरली जब आप इक्विटी शेयर्स लेते हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जैपनीज सिटीजन्स को दिया गया है इक्विटी शेयर्स। जब भी हम इक्विटी शेयर देते हैं दोस्तों, तो एक वोटिंग राइट होता है। आप लोग जानते हैं कि जब भी आप इक्विटी शेयर खरीदेंगे आपको वोटिंग राइट मिलता है। बस यहाँ पर एक छोटी सी वही कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन यह है कि ये सारे के सारे लोग जैपनीज सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है और कंपनी इंडिया की है, तो इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब टाटा मोटर्स की डिसीजन मेकिंग में जैपनीज सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। भले चाहे इन लोगों ने इक्विटी शेयर खरीदे हैं, लेकिन इन लोगों को इक्विटी शेयर खरीदने के बावजूद भी, इक्विटी शेयर्स खरीदने के बावजूद भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। बस यही एक छोटी सी कंडीशन होती है जो GDR में हम रखते हैं हमेशा, कि GDR में वोटिंग राइट कभी भी नहीं दिया जाता। आप चाहे किसी भी कंट्री में जाके अपने शेयर इशू करें इक्विटी शेयर, लेकिन आप वोटिंग राइट नहीं दे सकते। एक ये छोटी सी कंडीशन है दोस्तों जो कि GDR के साथ एसोसिएटेड है हमेशा, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। वोटिंग राइट के अलावा दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो डिविडेंड हम लोग डिपोजिटरी बैंक को देंगे और डिपोजिटरी बैंक जैपनीज सिटीजन जिन जिन के पास टाटा मोटर्स के शेयर है उन लोगों को वो डिविडेंड फॉरवर्ड कर देगी। तो ये डिपोजिटरी बैंक एक मीडिएटर का काम करे और बहुत अच्छे से उसको ये मीडिएटर का काम करना है, ताकि कभी भी कंपनी के ऊपर कोई शक ना हो, कंपनी बहुत क्लियरली चलती रहे और कभी भी कोई उसको परेशान ना करे बिल्कुल भी। इसलिए डिपोजिटरी बैंक की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है और इसको अच्छे से निभानी है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है ADR। GDR की डिटेल आपके सामने बाद में आएगी, तीनों की तीनों डिटेल इकट्ठे आएगी, GDR, ADR, IDR की आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं बात करता हूँ ADR की, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट के लिए दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना, वैसे जापान को हटाना है कि हटो जापान, हट जाओ, ठीक है, और यहाँ पे डाल देना है क्या, अमेरिकन, दैट इज कोई भी एक अमेरिका का, ठीक है, अमेरिकन डिपोजिटरी बैंक कोई भी हो सकता है, जो भी आप बनाना चाहें, अमेरिका कोई भी बैंक जो डिपोजिटरी की तरह एक्ट करना चाहे वो डिपोजिटरी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको मैंने कॉन्टैक्ट करा वही डिपोजिटरी बन गया, ठीक है। और अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है दोस्तों नेस्टेक, NASDAQ, नेस्टेक, ठीक है, ये नाम है अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अमेरिका है भाई, फेमस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं टाटा मोटर्स ही है, अगर टाटा मोटर्स पसंद नहीं है तो भाई कुछ और ले लेते हैं, टेंशन बिल्कुल लेनी, ठीक है। टाटा मोटर्स नहीं पसंद कोई बात नहीं, रिलायंस लेते हैं, चलो रिलायंस का नाम सबने सुना है, मोटा भाई की कंपनी, मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस ने अपने शेयर इशू करने हैं, कहाँ पे इशू करने हैं, अमेरिका में। रिलायंस को बहुत सारा पैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए। रिलायंस ने फैसला करा कि वो इस बार अपने शेयर इशू करेगी कहाँ पर, नेस्डेक में। नेस्डेक मतलब USA में इशू करना चाह रही है। नेस्डेक दोस्तों USA की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो रिलायंस का फैसला है कि वो अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही है स्टॉक एक्सचेंज पर जिसका नाम है नेस्डेक, जो कि USA के अंदर है, ठीक है। तो कैसे सिस्टम चलेगा वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिलायंस को अमेरिका के किसी भी एक बैंक को डिपोजिटरी बैंक बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा डिपोजिटरी को कि भाई एक मीडिएटर चाहिए, बिना मीडिएटर के आप नहीं डील कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो रिलायंस ने क्या करा, डिपोजिटरी बैंक को कॉन्टैक्ट करा, जो कि अमेरिका का कोई बैंक हो सकता है, उसको कॉन्टैक्ट करा और कहा कि भाई हमें ना अपने शेयर इशू करने हैं नेस्डेक पे, आप हमारी हेल्प करिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करा देता हूँ काम।
मैंने अपने शेयर्स डिपॉजिटरी बैंक को दे दिए, जितने के भी मुझे चाहिए थे, मुझे मान लीजिए 200, 300, 500, 5000, 10000, 20000 करोड़ चाहिए, मैंने उतने के शेयर डिपॉजिटरी बैंक को इशू कर दिए। मैं कर लीजिए सर, ठीक है। डिपॉजिटरी बैंक वो शेयर्स को नैसडेक पे इशू कराएगा, लोगों को बेचेगा, जिस जिस इंसान को रिलायंस के शेयर चाहिए होंगे वो सबके सब शेयर्स डिपॉजिटरी बैंक किसको देगा, अमेरिका के लोगों को देगा, ठीक है, कि भाई आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। रिलायंस वैसे बहुत फेमस कंपनी, आप लोग जानते हैं, रिलायंस के पास पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई होटल्स हैं जिसको रिलायंस ऑन करता है, और हमारे इंडिया का तो आपको होता है जियो। हो सकता है शायद आपका कनेक्शन जियो का ही हो, अगर आपका जियो का कनेक्शन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पास भी जियो का कनेक्शन है, ज़रूर बताना, ठीक है। तो जियो का कनेक्शन है, और भी बहुत सारी पेट्रोकेमिकल्स में है रिलायंस, इलेक्ट्रिक पावर में है, बहुत सारी चीज़ों में है, तो अच्छी बात है। अमेरिका में पूरे वर्ल्ड के अंदर हर इंसान जानता है रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, डिपॉजिटरी बैंक को दे दिए शेयर्स, डिपॉजिटरी बैंक ये सारे शेयर्स बेचेगा नैसडेक पे, ठीक है। उन लोगों से पैसा लेगा, किस में लेगा, यूएसडी में, यूएस डॉलर में लेगा, और वो सारा पैसा डिपॉजिटरी बैंक के पास आएगा, और डिपॉजिटरी बैंक उस यूएस डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करके किसको दे देगा, रिलायंस को, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से डॉलर आएंगे, ठीक है, और डॉलर की जगह यहाँ पर आते आते वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रुपीज़ में, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रुपीज़ चलते हैं भाई, डॉलर तो चलते नहीं बिल्कुल भी। तो ये सारा का सारा कन्वर्जन करने की जिम्मेदारी किसकी है, डिपॉजिटरी बैंक की, कर देगा, कोई दिक्कत नहीं यार, कमीशन ले रहा है, फ्री में कोई काम नहीं करेगा भाई, ज़माना बड़ा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब ज़माना है, फ्री में कोई काम करने वाला नहीं है, पैसे लेगा, पैसे लेके काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी काम हो गया। तो ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ अगर होता है तो इसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। ये जो सिस्टम चल रहा है पूरा पूरा, इसको कहते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सिटीजन ही खरीद सकता है, पूरे वर्ल्ड में ही कहीं और इशू नहीं हो सकती, ये सिर्फ अमेरिका को इशू हो सकती है, इसलिए इसको ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। ये सिर्फ अमेरिका में इशू होगी, कहीं और इशू नहीं होने वाली, इसलिए इसको ADR कहते हैं। ये थोड़ी महंगी होती है, या जो इसकी कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, वो थोड़ा सा महंगा होता है GDR से। ग्लोबली जितनी भी हम कंट्री में डील करते हैं, या हम सिर्फ अमेरिका में डील करते हैं, तो अमेरिका वाली कंट्री में डील करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है किसी और कंट्री में डील करने से कंपैरेटिवली। जापान में डील करें हम लोग, चाइना में डील करें, ऑस्ट्रेलिया में डील करें, अमेरिका थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये सिस्टम है दोस्तों हमारा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसकी डिटेल आपकी आएगी आंखों के सामने, आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों IDR की, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है उसको जानते हैं ज़रा, चलिए इसको बहुत अच्छे जानते हैं। कंपनी का नाम रब करते हैं, रिलायंस तो हमारे इंडिया की कंपनी है। अब बात करेंगे IDR की, तो IDR का एक सिस्टम है पूरा, उसको जानते हैं हम लोग, चलिए। ओके, फाइनली टॉपिक आ गया हमारा IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। जैसे ADR अमेरिका में इशू करा गया था, IDR इंडिया में इशू हो रहा है, ठीक है। जब फॉरेन की कंपनीज को इंडिया से पैसे की नीड होती है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से पैसे की नीड होती है, तो वो IDR का सहारा लेती है। एग्जांपल लेते हैं, कौन करेगा, आप ये सब यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब किसका है, गूगल वालों का, तो चलिए गूगल से ही इशू कराते हैं। मान के चलते हैं गूगल को ही पैसा चाहिए, तो कैसे सिस्टम चलेगा वो जानते हैं। गूगल बाबा को पैसा चाहिए, तो क्या करे। ओके, गूगल बाबा इंडिया आए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इंडिया की डिपॉजिटरी को कॉन्टैक्ट करा। इंडिया की डिपॉजिटरी कौन है दोस्तों, इंडिया की डिपॉजिटरी है हमारे पास, एक का नाम है NSDL, ठीक है, एक का नाम है CDSL। ये दो डिपॉजिटरी है, इनके अंदर बहुत सारे बैंक्स जुड़े हुए हैं सारे के सारे, जो डिपॉजिटरी का काम करते हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनते हैं, जो ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सरकारी बैंक जुड़े होते हैं। इनका नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, दो नाम है, आप ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो गूगल बाबा को सबसे पहले डिपॉजिटरी को कॉन्टैक्ट करना है, CDSL NSDL को बताना है कि भाई हमें ना इंडिया से पैसा चाहिए और हमें इंडिया में शेयर इशू करने हैं। वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डिपॉजिटरी जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, जो हमारे इंडिया स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं। एक और है BSE और NSE, हमारे यहाँ की बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE, ठीक है, ये हमारे इंडिया की फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है। इनमें शेयर इशू करा जाएगा गूगल का, किसका शेयर इशू करेगा, गूगल बाबा, ठीक है। तो गूगल का शेयर इशू करना है,
तो डिपॉजिटरी ने शेयर्स ले लिए, ठीक है, और उसने क्या करा, मार्केट में बताया कि भाई देखो गूगल के शेयर आ रहे हैं, जिस भी इंसान को चाहिए वो जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, बताओ भाई गूगल का शेयर कौन लेगा, कौन लेगा, आप लेगा, आप लेगा, आप लेगा, आप लेगा, बहुत सारे लोग लेंगे यार, गूगल का शेयर है यार, गूगल का शेयर हर इंसान लेना पसंद करेगा, ये कंपनी तो वैसे भी आपको पता है एकदम लाजवाब है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है, लोगों ने पैसे दिए, जितने का भी शेयर है, एक शेयर ही कई हज़ारों का मान लीजिए, गूगल का शेयर है कई हज़ारों का एक शेयर मिलने वाला है, 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये का एक शेयर, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है, लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है, लोगों ने रुपीज़ दिए, किसको, डिपॉजिटरी को, बैंक कोई भी हो सकता है, इंडिया का डिपॉजिटरी बैंक कोई भी बन सकता है, SBI ले लो, PNB ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, कोई सा ले लो, कोई भी बन सकता है डिपॉजिटरी बैंक, जो कि किसके सुपरविजन में काम करता है, NSDL या CDSL के सुपरविजन में सारा देखता है, जो भी वो बैंक ले रहा है लोगों से, वो सारा का सारा सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी, देख रेख करने की जिम्मेदारी डिपॉजिटरी की होगी, ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लोगों से हमारे पास क्या लिया जाएगा, रुपीज़, ठीक है, लेकिन गूगल को क्या चाहिए, डॉलर, तो ये सारे डॉलर रुपीज़ में हम लोग पहले कलेक्ट करेंगे मार्केट से, डिपॉजिटरी बैंक के पास आएंगे, और डिपॉजिटरी बैंक वो सारा पैसा किसको दे देगा, गूगल को, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, US डॉलर में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो सिस्टम चल रहा है पूरा, इस सिस्टम को कहते हैं IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इसकी एक छोटी सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि गूगल के शेयर मैंने ले लिए, ठीक है, क्या बींग इंडियन मुझे अमेरिका की कंपनी गूगल में वोटिंग राइट मिलेगा, मैं तो इंडियन हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है, क्या मुझे गूगल में डिसीजन मेकिंग में राइट मिलेगा, क्या मेरे पास वोटिंग पावर है, क्या मैं गूगल से रिलेटेड फैसलों में वोट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, कंपनी बाहर की है, अमेरिकन है, मेरे पास वोटिंग राइट नहीं है। जैसे जब हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हम लोग दे रहे थे, अपने शेयर्स बाहर हम दे रहे थे, तो हमने वोटिंग राइट नहीं दिया, अब गूगल हमें वोटिंग राइट नहीं देने वाला, और एक कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पीपल के पास गूगल के वोटिंग राइट हैं, जो भी गूगल में डिसीजन मेकिंग होती है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे पास गूगल का शेयर हो सकता है लेकिन हम लोग बींग इंडियन सिटीजन गूगल की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये छोटी सी कंडीशन है। बाकी डिविडेंड गूगल बहुत अच्छा कमाएगा पैसा, तो जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट करा उस पर डिविडेंड अगर कभी चाहिए होगा, डिविडेंड आता है तो गूगल भेजेगा किसको, डिपॉजिटरी को, डॉलर में, और वो हमें रुपीज़ में फॉरवर्ड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आता रहेगा, पैसे की टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, वोटिंग राइट की एक्सपेक्टेशन मत करना, जब आपने दिया नहीं तो आपको मिलेगा कैसे। तो ये एक छोटी सी कंडीशन है जो कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से जुड़ी हुई है। बाहर की कंपनीज बहुत सारी हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट में शेयर्स अगर इशू करना चाहें तो इशू करती है वाया IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। आई होप दोस्तों आपको ये सारी डिटेल बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अब आपके सामने एक एक करके GDR, ADR और IDR की डिटेल आएगी, आप वीडियो को पॉज करके उस डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी, तो आप जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिखिए, और मैं अगली वीडियो में उस डाउट को 101% क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और इन सारी डिटेल को पढ़ के कमेंट अगर करने की नीड पड़ती है तभी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है, काम आएगी, काम तो आएगी आएगी, पक्की बात है।